हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो जो कैपेसिटर है वो एक डिवाइस है जिसका यूज होता है टू स्टोर एनर्जी, राइट। तो यहां पर सपोज करो कि कैपेसिटर है और कैपेसिटर में चार्जिंग हो रही है, ठीक है। जब चार्जिंग होगी कैपेसिटर में तो वो एनर्जी को स्टोर करेगा, लेकिन जब सर्किट को वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा तो उस समय उसकी डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर किस फॉर्म में होगी, देखो जब चार्जिंग होगी तो यहां पर जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ ट्रांसफर होगा। तो यहां पर जो चार्ज है जब ट्रांसफर होगा तो वो चार्ज के ड्यू टू कुछ ना कुछ बगडन होगा। जो बगडन है वही क्या है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली में है क्या, वो वर्कडन है किसी भी चार्ज के ड्यू टू क्या गया, यानी कोई भी चार्ज है और वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो उस समय जो भी वर्कडन किया गया है वही क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और वही स्टोर होती है इन द कैपेसिटर, राइट। तो यहां पर किस तरह से हम बता सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसे, द वर्कडन वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो बगडन ही जब चार्जिंग हो रही होती है चार्जिंग हो रही होती है, उस समय चार्ज क्या हो रहा होता है, ट्रांसफर होता है वन प्लेट से सेकंड प्लेट के लिए, तो उस समय कुछ ना कुछ बगडन किया जाता है, ठीक है। वही बगडन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसमें क्या है, देखो ये कैपेसिटर है, इस तरह से एक कैपेसिटर है, ये सपोज करो कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर है तो इसका मतलब इसमें एक प्लस प्लेट होगी, दूसरी माइनस यानी कि नेगेटिव प्लेट होगी, ठीक है। अगर हम इसी में ये मान लें कि ये चार्ज क्यू डैश है, ठीक है, और ये प्लस क्यू डैश है और यहां पर माइनस क्यू डैश है, ठीक है। अगर इसमें से माइनस क्यू चार्ज कुछ इधर ट्रांसफर हो जाता है तो ये कितना बचेगा, ये सपोज करो कि डी क्यू डैश चार्ज और ट्रांसफर हो जाता है इस माइनस से प्लस की तरफ, तो इसे प्लेट वन और टू, यानी टू प्लेट से वन प्लेट की तरफ कुछ माइनस चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा, जो चार्ज की अमाउंट बचेगी वो माइनस क्यू डैश बचेगी, डी क्यू डैश, ठीक है। डी क्यू जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो गई है, इसलिए यहां पर कम हो जाएगी, राइट। अगर हम इसी में देखें बगडन कितना होगा, देखो यहां पर ट्रांसफर हुआ है चार्ज का, कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, डी क्यू चार्ज का, ठीक है। डी क्यू चार्ज यहां पर ट्रांसफर हुआ है कितना, डी क्यू डैश, ये डी क्यू डैश चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं, क्या कहेंगे, सपोज नाउ अ स्मॉल एडिशनल चार्ज
सपोज सपोज अ स्मॉल एडिशनल चार्ज एडिशनल चार्ज डी क्यू डैश वी ट्रांसफर वी ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट टू टू प्लेट टू टू प्लेट वन प्लेट वन एंड टू से वन के लिए जब ट्रांसफर हुआ तो जो वर्क डन है वो क्या होगा वर्क डन विल बी कितना होगा ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना होगा वी डैश इंटू डी क्यू डैश ठीक है डी क्यू डैश अब देखो यहां पर जो वी डैश है वी डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम वी डैश की वैल्यू निकालेंगे वी डैश इजकल टू कितना हो जाएगा सी इजकल टू किससे सी इजकल टू जो होता है हमारा फॉर्मूला वो होता है क्यू अपॉन वी से ठीक है तो ये हो जाएगा वी डैश इजकल टू क्यू डैश अपॉन सी राइट सी क्या है यहां पर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर राइट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर ठीक तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सी है तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V डैश वो कितना हो जाएगा Q डैश अपॉन C हो जाएगा राइट तो यहां पर जो DW है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू डैश ठीक है इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लिया ठीक है इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया अब क्या करें अब टोटल वर्क डन निकाल दें टोटल वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा अब टोटल वर्क डन निकाल लेंगे तो जो W है W आ जाएगा टोटल तो इसका जो अभी फ्रॉम इक्वेशन वन डी डब्ल्यू आया था इसी का क्या कर दें हम इंटीग्रेशन कर दें ठीक है जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट करके इसे सॉल्व कर लेते हैं और कहां से कहां तक होगा देखो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है एक मिनिमम जीरो हो रहा है और मैक्सिमम क्यू हो रहा है एंड टोटल चार्ज अगर देखेंगे तो क्यू आ जाएगा तो यहां पर कहां से कहां तक होगा चार्ज का जो ट्रांसफर है वो जीरो से क्यू तक होगा डी डब्ल्यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन यहां से पुट कर देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू डैश ठीक है डी क्यू डैश तो देखो यहां पर कुछ वन अपॉन सी कांस्टेंट है अब डी ये बचा हमारा ये इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा और क्या बचा क्यू डैश इंटू डी क्यू डैश ठीक है इसका इंटीग्रेट कर दो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा ये क्यू है तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू आएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी इंटू क्यू डैश स्क्वायर अपॉन टू ठीक है और लिमिट क्या रहेगी जीरो से क्यू ठीक है जीरो से क्यू लिमिट रहेगी ठीक अब क्या करेंगे इसी को सिंप्लीफाइड और करें सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना आएगा ये डब्ल्यू इजकल टू बनापन सी ऐसे रहेगा और ये क्यू की जगह कितना आ जाएगा क्यू डैश की जगह क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो लोअर लिमिट लगाएंगे कितनी है लोअर लिमिट जीरो ठीक है तो हो जाएगा हमारा जीरो ठीक है तो ये इतना आ जाएगा तो W इजकल टू कितना बचा W इजकल टू हो जाएगा वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी तो इतना मिल गया हमें ठीक है ये इक्वेशन टू हम मान सकते हैं अब क्या है हमें निकालनी है वर्क डन अभी तक जो वर्क डन निकाला है वही क्या है हमें निकालनी है स्टोर्ड एनर्जी तो वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है तो हम कह सकते हैं दिस वर्क डन स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है
तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। अब देखो यहां को अगर B की फॉर्म में लिखें इसे, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q अपॉन V, है ना, Q अपॉन V। अगर हम C की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, C की वैल्यू पुट कर दें, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C की वैल्यू और पुट करो Q अपॉन V, ठीक है, तो एक Q से Q कट जाएगा और V इक्वल टू कितना, U इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ये B ऊपर जाएगा तो आ जाएगा क्यू वी, ठीक है, क्यू भी आ जाएगा। अगर हम क्यू का वैल्यू यहां से इसी इक्वेशन से क्यू का वैल्यू लें, इसी इक्वेशन से क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी वी, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन में यू क्यू की वैल्यू पुट कर दें तो यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ क्यू की वैल्यू हो जाएगा सी वी इंटू वी, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो कितने फॉर्मूले मिले हमें U के, जो फॉर्मूले मिले U इक्वल टू मिले, एक तो मिला हमारा जो सबसे पहले निकाला था हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, दूसरा क्या मिला जो अभी निकाला था हाफ क्यू वी, ठीक है, और एक तीसरा जो मिला है ये मिला है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारे विच इज द फॉर्मूला ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में ये आ गया होगा, ठीक, ये डेरिवेशन सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता दे रहा हूं, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक याद के लिए बता दे रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, देखो जब सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो जो हम रेजिस्टेंस का निकालते थे, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन जो आता था वो आता था R इक्वल टू क्या आता था, R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू एंड अप टू आर एन, राइट, ये होता था किसमें, रेजिस्टेंस में। लेकिन अगर हम कैपेसिटर में करेंगे तो कैपेसिटर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, वन अपॉन सी एन, वो C इक्वल टू हो जाता है, ये इक्विवेलेंट के इक्वल है, वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री एंड अप टू वन अपॉन सी एन, ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक। तो इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करें, तो पैरेलल मैं सिर्फ इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि क्या रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड अप टू वन अपॉन आर एन, राइट, ये होता है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर कैपेसिटर के केस में देखें तो क्या होगा, जो सी होगा टोटल इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दिस ऑफ एनी सर्किट, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस अप टू सी एन, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सीरीज के लिए और ये हो जाएगा पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए क्या होता है, एलजेब्रिक सम हो जाता है, और सीरीज के लिए क्या होता है, एलजेब्रिक सम तो होता है लेकिन जो कैपेसिटेंस होती है एवरी कैपेसिटर उनका रेसिप्रोकल का सम होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी समझ में आगे होगी, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी स्टोर्ड देख लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
ठीक है। इसमें क्या होगा, वी नो दैट, देखो इसमें चार्ज की बात करें क्यों, तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। वी नो दैट टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यू इक्वल टू कितना होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। अब इसमें वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर इंटू वन अपॉन सी, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो सी की वैल्यू वन अपॉन सी की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री एंड सो ऑन प्लस वन अपॉन सी एन, राइट, इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसी को मैं और ओपन करूं तो ये क्या आएगा, वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी टू प्लस, इस तरह से चलता रहेगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एन, ठीक है। अब देखो ये किसके लिए होगी, ये फर्स्ट के लिए होगी, सेकेंड थर्ड, इस तरह से हो जाएगी एनर्जी। तो यू इक्वल टू कितना आएगा, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो ऑन यू एन, राइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी यू इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने वन अपॉन सी का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, जो कि अभी निकाला था, ये बताया था सीरीज के लिए, वही वैल्यू यहां पर भी पुट कर दिया। और ये पुट करने के बाद हमने अलग अलग कर दिया, जब अलग अलग किया तो ये एनर्जी अलग अलग कैपेसिटर के लिए आ गई, ये एनर्जी यू वन के लिए आ गई, ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए यू वन, सेकेंड के लिए यू टू, थर्ड के लिए यू थ्री, इस तरह से एन कैपेसिटर के लिए यू एन, राइट। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात करें, एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी नो दैट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला वही यू इक्वल टू वन अपॉन टू सी बी स्क्वायर वाला लेंगे, ठीक है। और सी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फोर पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के लिए जो C की वैल्यू है वो कितनी होती है पैरेलल के लिए, C1, C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, ये होती है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, C की, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू बी स्क्वायर इन टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सो ऑन सी एन, ठीक है। अब इसके लिए ओपन कर देंगे और ओपन करके क्या लिखेंगे, U इक्वल टू वन अपॉन टू सी वन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू सी टू बी स्क्वायर, इसी तरह से सी एन के लिए वन अपॉन टू सी एन बी स्क्वायर, राइट। तो ये यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो किसके लिए आ गए, फर्स्ट के लिए, तो ये भी कितना आएगा, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री एंड सो एन यू एन, राइट। तो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर क्या होगी वो भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें ये समझ गए होंगे और चैप्टर भी फिनिश हो ही गया है, लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।